जय सियाराम। पवन तनय में आ गया पवन समान प्रवाह, जामवंत के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह। ऋक्षराज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया मिली बुद्धि आपसे आज। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से है, उत्साह बढ़ रहा तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा यह कहता है कोई मन में। इतने ही में मछली देखी, श्यामा बोली दाएं कर को, यह शकुन देख अंजनी लाल गरजे फिर उछले ऊपर को। हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन सादर ध्यान किया, बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा ज्वार भाटा, शैलों से प्रति ज्वाला है, कच्छप वराह भौ चक्के थे, क्या है क्या होने वाला है। जिस पर्वत पर पड़ जाए पांव वह तले धसकता जाता था, मारुत समान मारुत नंदनियों आगे बढ़ता जाता था। महाबली तब बली है जब हो बुद्धि निधान, सोच रहे थे देवता ऐसे हैं हनुमान। लंका जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात, इस परीक्षा के लिए भेजी सुरसा मात। रहा रोक बजरंग की बोली वह ललकार, आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। पवन तनय कहने लगे राह छोड़ दे मात, धीरज धर कर हृदय से सुन ले मेरी बात। आवश्यक सेवा सम्मुख है उसको ही प्रथम करूंगा मैं, अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख हरूंगा मैं। सुरसा बोली बकवाद छोड़ मन चीता अभी करूंगी मैं, मुझको यह परम आवश्यक है निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। हनुमत ने फिर भी समझाया पर सहमत नहीं हुई सुरसा, तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तनिक क्रोधातुर सा। कह दिया यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले, ऐसी ही हट है हे माता तो मुख में ही मुझको धर ले। पवन तनय के वचन सुन सुरसा हुई विशाल, योजन भर का मुख किया गरज उठी तत्काल। अबला के अभिमान पर हंसे तनिक हनुमंत, दो योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत। अब तो हो गई होड़ सी कुछ, वह चार हुई ये आठ हुए, वह पंद्रह तो यह तीस हुए, वह तीस तो यह साठ हुए। सौ योजन का मुख कर डाला जब उस सर्पों की जननी ने, उस समय बुद्धि से काम किया श्री महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बना अपना उनकी जेवा पर जा पहुंचे, क्षण भर उस जगह बैठ कर फिर तुरंत ही बाहर आ पहुंचे। बोले ले मुख में हो आया तेरा ही कहा किया माता, तू यही मांग दी थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। अब सुरसा सुरसा बनी बोली कर मृदुहास, मेरा गुस्सा वह बना रवि था जिनका ग्रास। उधर शुभ आशीर्वाद दे उसने किया पयान, इधर सुमिर नरसिंह को चले सिंह हनुमान। इंद्रादिक मंगल मना मना नभ से प्रसून बरसाते थे, श्री पवन देव श्री वायु देव सुत का पथ सुगम बनाते थे। अतुलित बल धाम स्वर्ण गिरी सम दानव दल विपिन दहन थे वह, ज्ञानी गुण निधि रघुवीर दूत कपिवर मारुत नंदन थे वह। सच्चे शंकर अवतारी थे सच्चे श्री राम दुलारे थे, फिर भला इन्हें किसका डर था ये जगदम्बा के प्यारे थे। सिंह का राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी, पर छाई पानी पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती थी। छल यही किया पवन सुत से तो बद को ये लाचार हुए, पग प्रहार से संहार उसे निर्द्वंद सिंधु के पार हुए। गिरी चढ़ देखा दूर से लंका नगर विशाल, जहां राक्षसों के सहित रहता था दस भाल।
कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य सुंदर चौहट हाट का था, सब राजपाट सब घाट बाट सब ठाट विराट ठाट का था। वह स्वर्ण द्वीप है स्वर्ण देश सचमुच कुबेर की नगरी थी, जिसमें वसुधा भर की संपत उस यक्षराज ने रखी थी। सौतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था, यक्षों के लिए भगाया था, असुरों को वहां बसाया था। वह शैव विभीषण विष्णु भक्त घननाद शक्ति कहलाता था, पांडित्य कला कौशल बल में कुल ऊंचा समझा जाता था। विज्ञानवादिता इतनी थी बन गई रूप नास्तिकता का, भोजन विलास मादकता ही था लक्ष्य प्रजा का राजा का। इतना था प्रबल निशाचर दल भूतल जिससे थर्राता था, प्रत्येक देश को दबा दबा अपना दबदबा बढ़ाता था। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुंचे श्री हनुमान, मिली लंकनी राक्षसी काली निशा समान। सब बाल व्याल थे खुले हुए सुंदूरी तिलक भाल पर था, दो दांत चमकते थे बाहर हाथों में खड़ग भयंकर था। बजरंगी की आहट पाकर सम्मुख आई किटकिटा उठी, मैं तुमको खा ही जाऊंगी ये कह खांडा खड़खड़ा उठी। बजरंगी कहने लगे चल हट हो जा मौन, रामदूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन। मैं महावीर कहलाता हूँ हनुमत है विदित नाम मेरा, तुझसी चुड़ैलियों हनता हूँ यह भी है एक काम मेरा। नभ वाली सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धि बल से, जल की तामसी सिंहिका को कर दिया नष्ट क्रोधा नल से। थल पर राजसी लंकनी को अब मुष्टिक मार गिराऊंगा, जीतूंगा जब त्रिगुणी माया तब भक्ति मात की पाऊंगा। यह के हल्के हाथ से मुष्टिक मारा एक, गिरी घूम कर भूमि पर जागा पूर्व विवेक। बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, लंकनी रूप मुझ लंका को तब यह भविष्य बतलाया था। मुष्टिक प्रहार पर महावीर जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय निश्चर सब मारे जाएंगे। जो वाणी से सत पग से तम कर सीरज पर जय पाता है, वैसा ही बाल ब्रह्मचारी निर्गुण को निश्चय पाता है। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर में बड़ भागिनी महान हुई, इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर हे महाधीर रघुवर का तुझ पर हाथ रहे, जा बेखटके अब लंका में जय और सफलता साथ रहे। सीतापति रघुनाथ का बार बार ले नाम, उधर हटी है लंकनी इधर बड़े बलधाम। प्रत्येक भवन में रावण के ढूंढा श्री सीता माता को, शयनालय से बंदी गृह तक खोजा श्री सीता माता को। चप्पा चप्पा कोना कोना छाना राक्षस की नगरी का, पर पता न लगा कहीं पर भी रघुकुल महिला वैदेही का। होकर हताश होकर निराश किस तरह बनेगा काम, कहा अंतर आत्मा ने उसी समय श्री राम कहा जय राम कहा। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। झांका तो देखा आंगन में तुलसी बिरवे थे लगे हुए, दीवारों खंभों आलों पर सद्धर्म वाक्य थे लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई हरिभक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में यह कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। रात शेष थी पहर भर होनहार था काज, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। वह घर वाला वह गृह स्वामी दूषण नगरी का भूषण था, रावण का छोटा भाई था उसका शुभ नाम विभीषण था। ये घटना पिछली तब की है, दशकंधर जब तप करता था, उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर का जप करता था। मैं मरुन यक्ष राक्षसों से वरदान लिया यह रावण ने, हरि भक्ति प्राप्त हो जाए मुझे मांगा यह वचन विभीषण ने। तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी, उस भक्ति भाव के साथ साथ सेवा की शक्ति बढ़ रही थी। हनुमत ने जब धर विप्र रूप बाहर से जय श्री राम किया, सानंद विभीषण उठ आए ब्राह्मण को देख प्रणाम किया।
कहा धन्य हूँ आज मैं पाए सा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाए श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख ये हृदय आप ही खिंचता है, हे निश्चय आप भक्त को ही है मुझे दिखाई पड़ता है। बड़ भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करें, अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। नाम विभीषण और फिर यह प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। अचरज है कागों के दिल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलयागिरी का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो। वे बोले जैसे जीवा है 32 नुकीले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। कपि बोले मुंह की 32 सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जीवा जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन हैं सत्संगी हैं वे कहीं छिपाए छिपते हैं, एक ही पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखो मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है, सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। यूं तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है, पर भक्त वैष्णवों के सम्मुख वे महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ बानर हूँ, सीता सुधि लेने आया हूँ श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। रामदास मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। कह उठा हृदय खुल गया भाग्य, आए श्री राम दुलारे हैं, ब्राह्मण से भी यह बड़े मेरे मुझ प्यारे के प्यारे हैं। फिर कहा प्रकट हैं धन्य आप जो राघवेंद्र के अनुचर हैं, क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी। सीता की सुधि पीछे ले ना पहले मेरी सुधि लो भाई, जिन चरणों में रह रहे आप मुझको भी पहुंचा दो भाई। देख विभीषण की दशा पुलके पवन कुमार, यमुना से गंगा मिली बड़ा स्नेह अपार। बोले भगवान दया निधि हैं अपने को नित अपनाते हैं, जो जन उनकी शरणागत हो छाती से उसे लगाते हैं। ये रीत सदा से है उनकी करते हैं प्रीति सेवकों से, जो उनका ही हो जाता है निर्भय रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राह यही विश्वासी हो जाओ भैया, अपना सब उनके अर्पण कर उनके ही हो जाओ भैया। मंत्र से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में हैं, त्यों ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के वश में हैं। है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान वहीं, हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वहीं। मुझको ही देखो बानर हूँ उपचार ध्यान जानता नहीं, चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वह मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है, संपूर्ण कृपा दे दी मुझको ऐसा अनुभव में आता है। तुम भी तद साथ राक्षसों का आ जाओ भालू कपिगणों में, आचरणों को पाला अब तक तो अब पहुंचो आचरणों में। इतना बतला दूं जीवात्मा जब पास ब्रह्म के जाता है, तो उसके पीछे पीछे सब माया का वैभव आता है। हो सकता है वह दिन आए जब भाग्य इस तरह चमका हो, सिर पर हो राम विभीषण के चरणों पर सारी लंका हो। इसलिए जाति भ्राता दिक के संबंधों में अब रत मत हो, मेरे मत से हे भक्त राज रघुनायक के शरणागत हो। मैंने तो यह ही समझा है इसमें ही सब आ जाता है, मालिक का जो हो जाता है मालिक को वह पा जाता है। भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर, गदगद उनकी गिरा थी नैनों में था नीर। बोले प्रत्यक्ष आज देखी महिमा में ने सत्संग की, सत्संग क्षण भर में धोती श्यामलता जीवत रंगत की। जग के सब लाभ पराजित हैं सत्संग वाले लाभों से, स्वर्गाधिक तुच्छ हैं तुलने पर सत्संग सुख के बाटों से। तुम नहीं मिले हे रामदास, जग गए भाग सोते के हैं,
इस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे प्रकटे हैं। अच्छा अब जिस कारण आए उस सेवा में जाओ भाई, हे मात अशोक वाटिका में सुध उनकी ले आओ भाई। यूं तो कुछ गुप्त सेविकाएं इस सेवक ने भी रखी हैं, रहकर अशोक वन में भी वे मेरी निगाह में रहती हैं। लंका नगरी में भी सीता मिथिलापुर ही की सीता है, श्री रामचंद्र चंद्रानन की ज्योतिर्मय स्वच्छ चंद्रिका है। वे माता हैं तुम भ्राता हो दोनों का, तुच्छ दास हूँ मैं, निर्भय विचरो लंकापुर में छाया की तरह पास हूँ मैं। पग पग वरजय ने दिया इनको हर्ष महान, तभी चले अंजनी तने कह जय कृपा निधान। उत्साह वही आदर्श वही चिंतन वही सीता का था, अनुराग वही अभिलाष वही वही स्वरूप छोटा सा था। पहुंचे अशोक वन में जब ये तो दृश्य विचित्र उपस्थित था, कहने को तो वह अशोक था पर सर्वत्र शोक आच्छादित था। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनी चरी उपस्थित थीं, बाहर पत्थर पर प्रतिमा सी वैदेही ध्यानावस्थित थीं। पृथ्वी की ओर देखती थीं, टकटकी लगाए बैठी थीं, मटियाली बड़ी बड़ी अलके मुखड़े के ऊपर बिखरी थीं। सब अंग विरह के झुलसन से हो रहे सूख कर कांटा हैं, थीं ऐसी क्षीण काय मानो हड्डी चमड़ी का ढांचा है। आंखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था, यद्यपि सब और अशोकों के राक्षसियों का भी पहरा था। इतने संकट होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थीं, था चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्नि शिखा से दीपित थीं। थी नहीं वियोगिनी योगिनी थीं, गोदी में मां वसुंधरा की, आकाश देव की छाया थी, रक्षा थी पवन देवता की। राम दूत ने दूर से समझी सारी बात, कुंडल फेंके जिन्होंने है वह यही मात। रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में हैं, इसलिए कष्ट सह कर भी यह अब तक जीवित असुरों में है। नारी की सुंदरता पति है, पति सेवा से ये वंचित हैं, इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूलि दूषित हैं। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तो साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है। चरणों में अभी लौट जाऊं जी तो मेरा यह कहता है, घबरा जाए माता ने कहीं यह संशय रह रहे उठता है। अच्छा मन ही मन है प्रणाम, शुभ दिन तो सम्मुख आया है, बड़ भागी है यह राम दूत माँ का दर्शन तो पाया है। पत्ते खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल, दिखलाई दी दूर से जलती हुई मशाल। समझ लिया आ रहा है इसी ओर दसमांत, मंदोदरी आदि कई सुंदरियां हैं साथ। सोचा थोड़ी सी रात रही, यह अवसर तो पूजा का है, रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य कारण क्या है। राक्षस भी है माता भी है, छुप कर देखूं क्या होता है, सब भेद जानकर ही प्रकटूं इस अवसर पर यह ही अच्छा है। यद्यपि माँ की दशा से व्याकुल थे हनुमंत, फिर भी वृक्ष अशोक में छुपे रहे बुद्धिमंत। दशकंदर आया इधर बोल उठा कर जोर, कृपा दृष्टि से देख ले सीते मेरी ओर। ये सुनते ही सिया के लगी हृदय में चोट, बोली नीची दृष्टि से कर तिनके की ओट। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो वे शिवधनवा तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अब भी दिखलाता है, समझा नहीं सत्यता को। वह बोला छल बल नहीं नहीं और कुछ ध्यान, दशकंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दशमुख से करती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो। तिनके वाली ने कहा सुन तिनका की बात, पृथ्वी मेरी मात है तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की दासी हूँ मैं तिनका है तिनका दास सदा, यह मन है जिनके पास सदा तिनका भी तिनके पास सदा। हे तिनके से भी गिरे जीव तिनका ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा पर्दा क्या पर्दा तो आंखों ही का है।
पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु की, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके उनसे कब नलिनी खिलती है, होता है प्रात काल जभी तो स्वयं कमलिनी खिलती है। ये आंखें अगर कमलिनी हैं तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं, तू जुगन से भी घटकर है, ये सूरज से भी बढ़कर हैं। लंका पतिख द्योत सम रवि सम अवध कुमार, रावण यह सुन जल उठा कहा खींच तलवार। अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुँचाएगी। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोल उठी अविलंब। हे कायर पामर रजनी चर क्यों पशुबल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को सत यह है काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है, व्रत पतिव्रता छतराणी का सब समय प्राण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा, इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंका में मुझे छुपाया है, जा लजा डूब जाल जल निधि में क्यों खड़क दिखाने आया है। वे हाथ जल नहीं जाते क्यों जिनमें यह खड़ग उठाई है, नभ के नक्षत्र न अंधे हैं, बहरे न पवन के झोंके हैं, तृण तृण अशोक उपवन के अब बदला लेने को उठे हैं। अगणित आँखों से यह अधर्म वह व्यापक देव ने रखता है, इन पेड़ों में इन पत्तों में बैठा कोई सब सुनता है। ये सुनते ही हो गया दशमुख फिर विकराल, खड़गतान संहार को दौड़ पड़ा तत्काल। बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय, घट घट व्यापक है कहां अभी प्रकट हो जाए। जभी तोल तलवार को धाया राक्षसनाथ, सर्वेश्वर कैसिया ने झुका दिया निजमात। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वहीं तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला वह भगवंत। ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित है यह नाथ, इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से वह हाथ। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, जाते जाते निश्चरियों से बोला कि सताओ सीता को। देता हूँ समय 30 दिन का, तब तक ने उचित उत्तर होगा, तो करनी का फल पाएगी ये खड़ग और वह सर होगा। मन ही मन उधर कपि ने कहा माँ का न मलिन आंचल होगा, उसके पहले मेरा मुष्टिक तेरा वह वक्षस्थल होगा। तरुवर अशोक के बोल उठे हम उससे प्रथम उजड़ते हैं, लंका के महल लगे कहने उसके पहले हम जलते हैं। त्रिजटा नामक निश्चरी थी चतुरा अत्यंत, चला गया 10 शीश तो वह कह उठी तुरंत। निश्चरियो सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना मेरा, मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। मैंने सपने में देखा है दशकंधर का संहार हुआ, लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। बंदनी आज है राम प्रिया, कल साम्राज्ञी कहलाएंगी, हम कष्ट इन्हें देंगी तो यह बदले गंभीर चुकाएंगी। इस कारण मैं यह कहती हूँ लग जाओ इनकी सेवा में, सज्जनता सदा लाभ देती होती है हानि दुष्टता में। असुरा त्रिजुटा के मुख से भी जब प्रकट विश्व आधार हुआ, रजनी चरिया सेवक बनी कपिवर को हर्ष अपार हुआ। चली गईं सब राक्षसी निज निज ग्रह की ओर, तब त्रिजुटा से जानकी बोलियों कर जोर। तू मेरी मात धर्म की है मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पति विरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा, दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में तज दूं ये प्राण तभी अच्छा। लकड़ियां बीन में लाती हूं, तू भी कुछ मुझे सहारा दे,
मैं चिता बनाए लेती हूँ, ला आग कहीं से तू ला दे। त्रिजटा ने देखा जब भी इतना दारुण ताप, समझाया रघुनाथ का उनको प्रबल प्रताप। मिथिलेश नंदनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल हो, कल से उस सूर्यवंश के सूर्य राम अब उदय हुए उदयाचल से। थोड़े दिन और रह गए हैं, धीरज ही धारो वैदेही, जिस व्रत को अब तक पाला है आगे भी पालो वैदेही। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है, फिर भी है धन्य देवी तुम्हें, तुमने पति धर्म निभाया है। माता के विमल चरित्रों की पाई जब साक्षी त्रिजटा से, पत्तों में छुपे दूत का तन पुलका उठा, गलत है इसमें, गलत लिखा है, पत्तों में छुपे दूत का तन पुलक, पत्तों में छुपे दूत का तन पुलक उठा तब श्रद्धा से। सीखो हे दुनिया की बहनों पति धर्म पतिव्रत सीता से, पति वियोग में जीवन रखना रहना इस भांति तपस्या से। पति के हित राज महल तज कर, बन बन के संकट सहनायों, बेपता छूट कर फिर पति से राक्षस के मुख में रहनायों। आखिर अब चिता बनाई है पतिव्रत पर आँच न आने दी, बलिहारी भारत की देवी भारत की लाज न जाने दी। अभी रात है इस समय कहाँ मिलेगी ज्वाल, यह कह त्रिजटा भी गई उस अवसर को टाल। सन्नाटा सब ओर था, पत्ते तक थे शांत, सचमुच आधी चिता थी नीरव निठुर नितांत। नयन चिता की ओर थे मन रघुवर की ओर, हृदय सिंधु में विरह की उठने लगी हिलोर। पक्षी तन पिंजरे में रह न सका चुपचाप, रो रो कर जान की करने लगी प्रलाप। ठहर गई फिर एक क्षण, फिर कुछ उठी हूक, प्राणनाथ कह फिर उठा आत्म पखेरु कूक। थे अशोक के वृक्ष पर छुपे अंजनी लाल, देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। वृक्षों तक से अग्नि का जब कर रही सवाल, हो न जाए इनमें कहीं पैदा सत की ज्वाल। इस ख्याल से विकल जब हुए अंजनी लाल, दी अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। गिरते ही चमकी मुदरियों मानो चमकीला तारा है, सीता जी बड़ी उठाने को समझी अशोक अंगारा है। मुद्रिका परम सुंदर थी वह, हीरा था जिसमें जड़ा हुआ, श्री रामचंद्र रघुनायक का था नाम बीच में खुदा हुआ। पहचाना जब ही अंगूठी को आनंदित सिया अपार हुई, फिर कुछ विचार आए ऐसे बिजलियां हृदय के पार हुई। मुंद्री विवाह वाली ही है इसलिए लगाई आंखों से, केवट को देने को दी थी मैंने ही अपने हाथों से। पर यहाँ किस तरह आई है, क्या घटना है, क्या लीला है, माया ऐसी न बना सकती, दे सकता असुर न धोखा है। तब प्राणेश्वर के प्राणों की क्या इसमें छुपी सूचना है, पर रघुनायक तो हैं अजय, इस शंका में क्या रखा है। बंद गए ख्याल जब ही ऐसे, दिल पर फिर दुश्वारी आई, इतने में उस अशोक पर से आवाज एक प्यारी आई। श्रवणों द्वारा जब किया नामामृत का पान, तब बोली तुम दूत हो तो क्यों अंतर ध्यान। वे जैसे ओझल रहते हैं व्यापक होकर भी आंखों से, त्यों ही तुम छिपते फिरते हो पायक होकर भी आंखों से। प्राकृत भाषा भी बोल रहे चरितामृत भी बरसाते हो, फिर हे अशोक के गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो जाते हो। आज्ञा पाकर मातु की प्रकटे पवन कुमार, जिजकी सीता देखकर रूपवान राकार। तब कहा इन्होंने हे माता मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणानिधि ने भेजा है सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको सुध लेने ही मैं आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हनुमान के वचन सुन मिटा सभी संदेह, दूत जान रघुनाथ का हुआ हृदय से ने। बोली मृत तुल्य अवस्था को यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबते को दिखलाई पड़ा किनारा है। अच्छा पहले यह बतलाओ वे अनुज सहित अच्छे तो हैं, खरदूषण तृष्णा संहारक मेरी चर्चा करते तो हैं। यह सुनकर हनुमंत ने
कह जय सीताकांत, सुना दिया सब आदि से अब तक का वृत्तांत। फिर कहा नहीं सुधि रखते तो सुधि लेने को क्यों भेजा है, माँ वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही हैं उससे दूने वे सहते हैं, जो ध्यान रहे बेपानी के इस भांत दयानिधि रहते हैं। लंका पर रघुकुल का डंका हे माँ अब बजने वाला है, वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही आप यह भी तो फल दिखलाएगा, इस बल ही से बानर मंडल निश्चर दल पर विजय पाएगा। दिनकर जिस समय उदय होता फिर नहीं तिमिर रह पाता है, हिमगिरि जब हिलने लगता है तो भूतल तक थर्राता है। रजनीचर जो रह रहे यहाँ विभत्स विकट बेढंगे से, बाणों की अग्नि शिखाओं में झुलसेंगे स्वयं पतंगे से। माँ आज्ञा नहीं नाथ की है अन्यथा दास दिखला जाता, लंका को क्षण में चौपट कर में तुमको अभी लिवा जाता। बजरंगी के वचन सुन हुआ हृदय को चैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन। राक्षस हैं कज्जल गिरी समान काले काले मतवाले से, तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से। क्यों कर उन पर जय पाओगे संदेह मुझे यह भारी है, उद्योग उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। देखा जब बजरंग ने माँ हो रही अधीर, योग शक्ति से काम ले विस्तृत किया शरीर। गर्जना गगन में गूंज उठी यो जन भर के बलवीर हुए, संग्राम भयंकर विकटानन भूधराकार रणवीर हुए। फेरा उठी बल की पताक बहरा उठी शंका सारी, हहरा उठी राक्षस सेना थेरा उठी लंका सारी। सीता जी को हो गया पूरा जब विश्वास, तो फिर छोटे बन गए सीतापति के दास। कर जोड़ कहा मन की श्रद्धा अब होठों पर आ पहुंची है, जिस जिनके आगे प्रभु ने छुपे माता कैसे छुप सकती है। हे वरदायिनी हे जगजननी ये सब कुछ आप कर रही हैं, हाथी का नाश कराने को चींटी में शक्ति भर रही हैं। पृथ्वी का भार हटाएंगे प्रभु की जब हुई प्रतिज्ञा यह, तब अपना हरण करा माने कर डाली पूर्ण समस्या यह। हम लोग निमित्त मात्र ही हैं, लीला के लिए खिलौने हैं, आकाश चंद्र के छूने को बढ़ते ही जाते बोने हैं। इसलिए सिद्ध यह होता है अपनी ने तनक चतुराई है, ये प्रभु की ही प्रभुताई है या माँ की हो रही सहाई है। निश्चर पर दृष्टि नहीं डाली इस कारण कहाँ शक्ति उसमें, वे जीते जी है मरा हुआ है कहाँ विवेक बुद्धि उसमें। हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा हम भिक्षुक उसी दृष्टि के हैं, जब हम पर कृपा दृष्टि है तो भिड़ सकते हम महाकाल से हैं। डाला यह कहते हुए उन चरणों में माथ, तुरंत उठाया लाल को माने हाथों हाथ। फिर कृपा दृष्टि से अवलोका बोली देती हूँ शक्ति तुझे दी, बुद्धि तुझे दी, युक्ति तुझे दी, मुक्ति तुझे दी, भक्ति तुझे। माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे तुम रहो सदा अनुचर बेटा। श्री रामचरित के पृष्ठों में तेरा भी नाम महान हुआ, श्री रामचरित के साथ साथ तू भी प्रसिद्ध हनुमान हुआ। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ हनुमत प्यारा भी होगा। जय सिया राम।